वाजी वाह, सीट और सियासत क्या ना कराए। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए पूरे बीकानेर की सीटें दाव पर लगा दी, जिसके बाद सीनियर नेता बीडी कल्ला को बेटिकट कर दिया गया। लेकिन कल्ला समर्थकों ने विरोध का ऐसा बिगुल बजाया कि कांग्रेस को झुकना पड़ा और पुनर्विचार कर कल्ला को पश्चिम की सीट देनी पड़ी। कल्ला को तो सीट मिल गई, लेकिन कांग्रेस के गले में फांस फंस गई कि अब पश्चिम के उम्मीदवार को कहां भेजा जाए। इस उधेड़बुन में कांग्रेस ने कन्हैया लाल झंवर की बजाय यशपाल गहलोत को पूर्व की सीट दे डाली। कांग्रेस का यह फैसला रामेश्वर डूडी को नागवार गुजरा, क्योंकि कन्हैया लाल झंवर अगर पूर्व से नहीं लड़ते तो निश्चित था कि वो नोखा से निर्दलीय चुनाव लड़ते। ऐसे में उनकी टक्कर डूडी से होती और डूडी की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय होता। ऐसे में डूडी ने भी कन्हैया लाल झंवर के साथ खड़े होकर ऐलान कर दिया, अगर झंवर को पूर्व से टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी तो फिर उलझन में आ गई। पार्टी के सामने ये समस्या थी कि करे तो करे क्या, एक तरफ पार्टी का फैसला है तो दूसरी तरफ एक बड़े नेता की नाराजगी। आखिरकार कांग्रेस को डूडी के फैसले के सामने घुटने टेकने पड़े और कन्हैया लाल झंवर को पूर्व से सीट देनी पड़ी, जिसके बाद पार्टी को यशपाल गहलोत के समर्थकों का गुस्सा भी झेलना पड़ा। खैर, कांग्रेस के बार बार फैसला बदलने का लोगों ने जमकर मखौल उड़ाया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के मीम्स भी बनने शुरू हो गए। कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की किरकिर के पीछे डूडी का अड़ियल रवैया था।